वीडियो बहुत धांसू होने वाली है, समझ गए होगे बाइकों को देख के कि लाइनअप क्यों लगा रखा आज होने वाली है। फिर से ड्रैग रेस, और ड्रैग रेस बता दो कौन कौन से बाइक के बीच में होने वाली है। V3 दो हैं अपने पास, एक V4 है और अपने पास है RC 200। और लेट्स सी भैया क्या होता है क्या नहीं होता। भाई सबसे पहले आप करो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो भैया थोड़ा बहुत फल तो मिलना चाहिए। और देखो आप क्या होता है इसमें, V4 है उसमें एग्जॉस्ट लगा रखा है हमने SC प्रोजेक्ट, और V3 में भी SC प्रोजेक्ट एग्जॉस्ट लगा रखा है। और जो ये वाली V3 है पूरी स्टॉक है, इसमें हमने कोई भी खास मॉडिफिकेशन नहीं करा रखी, मतलब थोड़ी बहुत ही वैसी लुक के लिए मॉडिफिकेशन करा रखी है। और जो अपनी RC 200 वो भी नॉर्मल है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी नॉर्मल है, बिल्कुल स्टॉक बना रखी है। राइड वाली V3 है उसमें थोड़ा टायर जो साइज है वो 150 का है, बाकी में 140 एंड 140। चलो बैठते हैं बाइक पर और ड्रैग रेस करते हैं शुरू। ओ भाई फिर से RC आगे जा रही है थोड़ा। अभी पीछे करते हैं, रुक जाओ। नहीं हो पा रहा क्या बेचे, नहीं हो पा रहा क्या, नहीं हो पा रहा क्या, क्या बोलता हूँ। तो गाइस पहले बता दूँ, इनिशियल बहुत अच्छा है भाई RC 200 का, स्टार्टिंग में निकल जाती है, लेकिन थोड़ी जगह रेस हम 2-3 किलोमीटर और बढ़ा दें तो भाई R15 का कोई मुकाबला नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, टायर साइज इतना मोटा होने के बाद गाड़ी भाई बहुत अच्छी बगी, बंदा थोड़ा लाइट वेट है, मैं लाइट वेट नहीं हूँ, मैं मेरा थोड़ा वेट ज़्यादा है, 180 kg भाई मेरा वेट है खुद का, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब मैं थोड़ा गैप में रह गया, अदरवाइज भाई ऑसम रेस रही भाई, मज़ा आ गया देख के। तो फिर से भाई RC को हार का सामना करना पड़ा, और पता चल गया उसको एक्चुअल भाई उसकी क्या औकात है क्या नहीं। रेस में बहुत मज़ा आया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई बताना, कमेंट जरूर छोड़ना इस बार कि क्या रहा क्या नहीं रहा। तीन ये खड़ी अपनी, एक ये खड़ी, और भाई इनमें तो SC प्रोजेक्ट के एग्जॉस्ट लग रहे हैं भाई, साउंड क्या ही आ रही थी यार, क्या ही मज़ेदार साउंड थी, मज़ा आ गया। हाँ भाई कैसा लगा अब हार के दोबारे? नहीं चाहिए था अभी, पता बराबर की टक्कर होती, कम से कम आधा किलोमीटर तक चलते ना तो लेवल में वो। कोई नहीं, राउंड टू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, अभी तो राउंड वन था, राउंड टू कर लेते हैं, राउंड टू होने वाला है।
करने का दूर नहीं है आरसी। भाई V3 आ गया फिर से एक बार, और बुद्धू भाई बगल में हमारे। प्रेजेंट टाइम में तो V3 पीछे है, और कितने देर पीछे रहती है ये भी देखना है। बहुत बढ़िया भाई, आपके सामने ही है 144 और ये भाई गई आपके पीछे। ये भाई आपके पीछे, भाई आपके पीछे रख लिया। अब चलते हैं थोड़ा सा, ₹140 के बाद गाड़ी में पावर तो है बट कट मार देता है, वो गलत है यार। देख सकते हो तीनों V4 भी आगे जा चुकी है और मेरी बस सबसे पीछे रह गई है। पर देखते हैं कितना देर के लिए कितना पीछे रहती है। आज नहीं आने वाले भाई कहीं भी, कहीं नहीं आ रही आरती को भाई, बाहर आ गई। भाई अपने बंदे तो भागे जा रहे हैं, उनको तो भाई सुनाई भी नहीं दे रहा मेरे ख्याल से। और आरसी वाला भाई कहाँ है? फिर भाई आरसी की बैंड बज गई भाई। भाई आरसी कुछ नहीं है भाई, ऐसे भाई मेरी बाइक भी है RS 200 भाई, 148 150 तक भाई जाती है आराम से, और मज़ा आता है बड़ा देखने भाई। खूब मज़ा आया भाई। रिजल्ट रहा वो रहा अपना V3 का, अपना V3 वाला भाई आगे था, उसके जस्ट पीछे मैं, उसके पीछे अपना फिर V4 और देन सबसे लास्ट भाई RC। और बता दूं भैया स्पीड के बारे में, 148 भाई मेरे से ये गई, और ये 140 पे भाई लिमिटर मार रही है, और ये भी भाई 146-148 जा रही है। और जो R15 V3 वाला सबसे आगे था भाई, उसकी थी टॉप स्पीड 155, पता नहीं भाई कैसे चली गई मुझे नहीं पता। बस RC वाले की हमने कर दी, जो उसका ख्वाहिश थी ना, वो चैलेंज जो कर रहा था V3 वालों को, वो आज उसका हमने पूरा कर दिया भाई। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो कर सकते हो आप लाइक, कुछ कमेंट में बोलना चाहते हो कमेंट कर दो आपको ड्रैग रेस कैसी लगी, और मिलते हैं आपको किसी ऐसी बेहतरीन सी वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।